हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। दिस इज़ ऋतु पांडे और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपसे स्किप ना हो सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से रिलेटेड है, जिसमें श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से नए लेबर कानून लागू करने की तैयारी में है। 1 अप्रैल से मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए किन किन नए नियमों को लागू करने की योजना में है, इसे लेकर प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। देश में मौजूद कंपनियों व कर्मचारियों के लिए नए कानून लागू होने के बाद नियमों में सुधार भी शुरू हो जाएंगे। खासकर ओवरटाइम जैसे मुद्दे को लेकर कर्मचारियों की चिंता कम हो सकती है। 15 मिनट से ज़्यादा काम करने पर मिलेगा ओवरटाइम। हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार ओवरटाइम के लिए मौजूद समय सीमा को सरकार बदल सकती है। नए लेबर कानून के मुताबिक 15 मिनट से अधिक कार्य करने पर कर्मचारी का ओवरटाइम माना जाएगा। इस ओवरटाइम के लिए कंपनियों को एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा। यह नियम कार्य के घंटे पूरे होने पर लागू होगा, यानी यदि कोई कर्मचारी निर्धारित घंटों से अतिरिक्त 15 मिनट में से ज़्यादा काम करता है तो कंपनी को इसके लिए भुगतान करना होगा। उल्लेखनीय है कि मौजूदा कानून में ओवरटाइम की समय सीमा अभी 30 मिनट है, यानी कोई कर्मचारी आधे घंटे से ज़्यादा कार्य करता है तो उसे ओवरटाइम माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार नए कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस महीने के समाप्त होते ही नए लेबर कानून लागू हो जाएंगे। ओवरटाइम के अलावा सभी तरह के अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को PF और ESI की सुविधाएं देना अनिवार्य होगा। कोई कंपनी बहाना बनाकर बच नहीं सकती है कि उनके यहाँ थर्ड पार्टी के वर्कर हैं। नेक्स्ट अपडेट KGBV से है। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से संविदा पर नियुक्त होने वाले पूर्व शिक्षकों को इस वर्ष 12 अंक का लाभ दिया जाएगा। शर्त यह है कि वर्ष 2020-21 में वह KGBV में न पढ़ा रहे हों। प्रतिवर्ष सेवा के 2 अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी किया है कि इससे लगभग 2500 उन शिक्षकों को फ़ायदा मिलेगा जो नए नियमों के तहत बाहर हो गए हैं, और यहाँ पर पुरुष शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट ITI के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर राज्य सरकार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए अब उनके कौशल विकास पर फोकस करेगी। इसके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका बढ़ाई जा रही है। अब सभी ITI में इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यही नहीं, प्रशिक्षण विद्यार्थियों को MSME से जुड़ी इकाइयों में न्यूनतम 15 दिन की ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। इस दौरान उन्हें 2 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। वहीं ट्रेनिंग के विद्यार्थियों के बिना कोर्स अधूरा माना जाएगा। राज्य कौशल विकास मिशन के निदेशक कुणाल सिल्कू ने बताया कि प्रदेश के 305 ITI में 1.72 लाख विद्यार्थी विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन विद्यार्थियों में कौशल की दक्षता बढ़ाने के लिए संबंधित ITI MME विभाग से जुड़ी इकाइयों में 15 दिन की अनिवार्य ट्रेनिंग कराएगा। बता दें कि ITI अपने स्तर पर विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देता रहा है, लेकिन अब उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान यदि कोई हादसा होता है तो उन्हें 2 लाख की मदद देगी सरकार। यहाँ पे राज्य सरकार ने कहा है कि कंपनियों में ट्रेनिंग लेने वाले विद्यार्थियों के जीवन की सुरक्षा का खास ख्याल रखने की व्यवस्था की है। विभाग की ओर से ट्रेनिंग लेने के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी का जहां 2 लाख रुपए के बीमा कराया जाएगा, वहीं ट्रेनिंग के दौरान के इंडस्ट्री में कोई हादसा होता है तो सरकार की ओर से छात्र को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी।
यहाँ पे बात करेंगे UPPSC RO ARO परीक्षा 2021 के बारे में, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दिनों RO ARO समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी से अभ्यर्थियों को आवेदन करने में समस्या आ रही है। वेबसाइट के जमा होने, धीरे चलने व शुल्क जमा होने पर भी उसकी रसीद न निकलने जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। इससे आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल है, जबकि ऑनलाइन आवेदन 5 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। UPPSC ने RO ARO 2021 के तहत कुल 337 पद निकाले हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश सचिवालय और भी इसमें ये पदों की का विवरण दिया गया है, और आयोग की परीक्षा कैलेंडर में इसकी प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित है। प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के 19 जिलों में कराई जाएगी। परीक्षा के पेपर का प्रारूप भी जारी किया जा चुका है। वेबसाइट के ठीक से न चलने के कारण अभ्यर्थी उसका अवलोकन भी नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड है, जहाँ पे यहाँ पे बताया गया कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं उनके आवेदन फंस गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के साथ ही विभाग से प्राप्त NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे बनवाने में काफ़ी समय लगता है। इससे पहले की भर्तियों में NOC इंटरव्यू के दौरान जमा करना पड़ता था। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 और विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो अभ्यर्थी पहले कहीं नौकरी कर रहे हैं बिना NOC उनका आवेदन सबमिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक अच्छी अपडेट ये है कि BA प्रवेश परीक्षा 2021 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख अंतिम है, और अभी ही कुछ ही महीने पहले BA एंट्रेंस हुआ था 2020 का, और अभी फिर से ये 2021 के भी एंट्रेंस के लिए आवेदन के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आज उसकी लास्ट डेट है। जिन लोगों ने अगर अपडेट नहीं किया है तो उनको ये रिमाइंडर कराया जा रहा है कि वो आज जल्दी से जो भी उनकी चीज़ें बची हुई हैं उसमें पेमेंट की हो या फॉर्म सबमिट करने की डेट, वो आज लास्ट है और वो जल्दी से सबमिट कर लें। यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित BA संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि आज सोमवार है, और 16 से 22 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन लेट फीस के साथ होंगे। 22 तक आप लेट फीस के थ्रू जमा कर सकते हैं, एंड 10 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा 19 मई को प्रस्तावित है। 20 से 25 जून के बीच प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 12 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होंगे और आवेदन लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किए जाएंगे। यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 1500 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये हैं। विलम्ब शुल्क के साथ 2000 रुपये और 1000 रुपये हो जाएंगे। इस प्रवेश परीक्षा में प्रदेश के करीब 2900 कॉलेज शामिल होंगे, जिनमें करीब 2,40,000 सीटें हैं। शिक्षा मित्रों से रिलेटेड ये अपडेट है, जिसमें शिक्षा मित्रों को स्थायी करें सरकार के लिए, सरकार को कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को स्थायी करें। यहाँ पे दूरस्थ BTC शिक्षक संघ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्या जस की तस है। संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने मांग की कि सरकार शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में आवश्यक समाधान करते हुए स्थायी कर्मचारी या शिक्षक का दर्जा दे। अनिल ने रविवार को जारी बयान में कहा कि अल्प मानदेय से शिक्षा मित्रों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं करती है तो इस साल भी होली फीकी ही रहेगी। भाजपा सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव में शिक्षा मित्रों से किए वादे को पूरा नहीं किया है। और ऐसे हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और साथ ही में इस जो ये हम अपडेट
देते हैं या न्यूज़ हम अपडेट करते हैं उसे आप पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसको